kneel. On the kneel. बिना देरी किए तुरंत स्वप्न कहते हैं, ठीक है जी। अब अपने इसका ये बना रहे हैं, नील का मतलब क्या होता है? नील का मतलब क्या होता है? इसके अलावा क्या क्या नील का मतलब कील भी होता है, कील ठोकने वाली जो कील होती है उसको, हाँ वो नील रिवर है, वो नाम है उसका, ठीक है। अब इमेजिन करो अगर कोई इंसान गलती से कील पे बैठ जाए, मतलब आप किसी कुर्सी पे बैठने लगे थे और जैसे ही बैठे अगर उसमें कील था तो खड़े होने में कितनी देर लगाओगे? कितनी देर लगेगी? चाहे आप नींद में हो, चाहे आप फिर अभी ढंग से थके हुए हो, लेकिन उठने में कितनी देर लगेगी? एक सेकंड भी ज्यादा बोल दिया, डेढ़ सेकंड लगेगा। तो तुरंत ऑन द नेल यानी कील पर। हाँ जी, नेक्स्ट इज अ बोन ऑफ कंटेंशन। हाँ जी, जो बोला है सही बोला है बिल्कुल। झगड़े का कारण या झगड़े की जड़। अब इमेजिन करो दो पड़ोसी थे, वैसे तो उनमें बड़ा प्यार था, कभी लड़ते नहीं थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ, उनका उन दोनों के पास कुत्ते थे और उन दोनों के कुत्तों ने एक हड्डी देख ली, दोनों के दोनों कुत्ते उस हड्डी पे एक साथ लड़ते, और अब दोनों कुत्ते आपस में उस हड्डी के लिए क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो मान लो दोनों मालिकों में से जो दो पड़ोसी, दोनों पड़ोसियों में से किसी ने ये नहीं कहा बिचारो यार मैं अपने कुत्ते को साइड ले जाता हूं और आप अपने कुत्ते, मतलब आपका कुत्ता ले लिया जी। नौ जी, दोनों जने मतलब देखते रहे कुत्ते लड़ रहे हैं, अब दोनों कह रहे हैं दूसरे को, अरे यार तू मेरे कुत्ते ने पहले हड्डी देखी थी तो तू अपने कुत्ते को ले जा। वो कहता नहीं, नहीं मेरे कुत्ते नहीं। वो लोग जो कभी लड़े नहीं अब उनमें लड़ाई हो गई है, और जब लोगों ने पूछा झगड़े का कारण क्या है तो क्या है झगड़े का कारण? वो हड्डी। तो इसको अपनी टेंशन मान सकते हैं। तो पूरी टेंशन की जड़ क्या निकली? एक हड्डी। ऐसा ही एक और है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, सेम मीनिंग है। इनको इंग्लिश में कह सकते हैं अ सब्जेक्ट ऑफ डिसएग्रीमेंट या कॉज ऑफ क्वेरल, कॉज ऑफ क्वेरल। सर इसके क्या है इसका? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, यही सेम ही है, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, सेम चीज, झगड़े की कारण, झगड़े का कारण। अब देखो भी अपने डिस्कॉर्ड को, इस कॉर्ड को अपने एक बार कोड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कोड, जो कोडी होते हैं वो बल्कि कोड है ये। इमेजिन करो एक बार एक बहुत बड़ा एप्पल किसी मंदिर के सामने अपने आप प्रकट हो गया, बहुत बड़ा एप्पल। अब उस एप्पल को देखने के लिए भीड़ लग पड़ी है, इतना बड़ा सेम। तो सबने सोचा भी ये कोई भगवान की कृपा है, तो पुजारी ने कहा भी चलो अपने इसी एप्पल का प्रसाद सबको दे देते हैं। उस एप्पल का प्रसाद सबने बांट दिया गया, एप्पल लगभग खत्म होने वाला हो गया, अगले दिन वो एप्पल फिर बढ़ गया, फिर पूरा, कमाल है जी। तो उन्होंने सोचा वाकई ये तो क्या है, कोई देवी कोई चीज है। अगले दिन वो फिर प्रसाद खाने लगे, इतने में कुछ लोग जिन्होंने कल प्रसाद खाया था वो आगे, और वो कह रहे हैं जिस जिसने प्रसाद खाया था उनको कोड हो गया है, मैं रह गया मालूम है कल खा नहीं पाया, मेरे घर में जिन दो लोगों ने खाया उनको कोड हो गया, और जिन जिन घरों में ये प्रसाद गया उन सबको क्या हो गया, कोड हो गया। अब वो कहते भी नहीं जी, अब जिन्होंने नहीं खाया है जो नहीं मान रहे वो तो ये कह रहे हैं कि भैया हम तो इस एप्पल का प्रसाद बांटेंगे भी और खाएंगे भी, और बाकी कह रहे भी हम ऐसा अब होने नहीं देंगे। अब उसको जो तो वो जो जगह थी जहां बहुत भाईचारे से काम हो रहा था, अब उस जगह में पूरी टेंशन हो गई है, पूरी लड़ाई होने वाली है, और लड़ाई का कारण क्या है? वो एप्पल। तो उस सेब की वजह से वो कह रहे हैं सेब को बांटेंगे प्रसाद में, वो कह रहे हैं हम
नहीं मानने देंगे तो झगड़ा हो गया। फॉर अ रेनी डे, फॉर अ रेनी डे, मुश्किल दिनों के लिए, इसको कहते हैं मुश्किल की घड़ी के लिए, फॉर अ टाइम ऑफ डिफिकल्टी। रेनी का मतलब क्या होता है? बरसात हो सकता है, रेन। इस रेनी को अपने एक बार क्या मान रहे हैं? रेन। और इस रेनी को अपने रानी भी मान रहे हैं। क्या मान रहे हैं? रानी। मान लो आप जिस गांव में रहते हो उस गांव के अंदर एक रानी है, पुराने टाइम से चली आ रही प्रथा, और वो रानी है। जब भी बारिश होती है तो वो रानी किसी के भी घर आ सकती है, और वो जिसके भी घर आएगी उस घर में लोगों को वो जो मांगेगी, मान लो अगर वो इतने पैसे मांगती है या वो इतनी कोई चीज मांगती है तो उस दिन देनी पड़ेगी, और अगर आपने नहीं दी तो कोई श्राप दे सकती है या आपको कोई सजा दे सकती है। मान लो तो किसी की, मान लो किसी की मदर जो है वो पैसे छुपा के नहीं रख रही है, तो बच्चे ने कहा मेरे को तो दुनिया नहीं बेटा, ये रानी के लिए है या रेनी डे के लिए है, जिस दिन बरसात होती है। और रानी आती किस दिन है? जिस दिन बरसात होती है वो आएगी उसी दिन ही। तो माँ क्या करिए, बेटा ये रानी के लिए है या ये बेटा ये उस रेनी डे के लिए जिस दिन रानी